हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मोबाइल आधार एप्लीकेशन मोबाइल से कैसे आप उसका आधार कार्ड को अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एम आधार को ओपन कर लेना है और एम आधार से कैसे आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना है वो प्रोसेस आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एप्लीकेशन ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डाउनलोड आधार पे आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको रेगुलर एंड मास्क्ड आधार यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये रेगुलर और मास्क आधार में डिफरेंस क्या है। तो चलिए डाउनलोड ही करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रेगुलर को आप आधार को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी एंड एनरोलमेंट आईडी नंबर। आप ये तीन ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपना आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे, तो आधार नंबर पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपना डिटेल्स जो है हम वहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना ये जो कैप्चा है वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद ये रिक्वेस्ट ओटीपी पे हमको क्लिक कर लेना है। जैसे हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है, जबकि ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो आधार रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ के लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए समटाइम्स ये नेटवर्क इशू की वजह से समटाइम्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर से रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे कि ये ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, तो हम उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ था वो हम यहाँ पर फिल कर लें, फिर उसके बाद वेरीफाई पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई पे हम क्लिक कर लिए हैं। तो द ई कॉपी ऑफ योर आधार विल बी डाउनलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ही हमारा डाउनलोड हो चुका है, जो कि यहाँ पे देखिए अभी आधार नंबर का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट आपका जो नेम है उसका फर्स्ट फोर लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर जो है वो यहाँ पे मेंशन होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल से आप देख सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए द पीडीएफ इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, हम इसको ओपन कर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये आधार जो है ये डाउनलोडेड हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंशन किया गया है यहाँ पे जो नंबर है ये इस तरीके का कुछ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो आधार है ये रेगुलर आधार यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आपको मास्क्ड आधार क्या होता है उसको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो मास्क्ड आधार डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको ये डाउनलोड आधार पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो प्रिफरेंस है यहाँ पर मास्क्ड आधार यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा, आपको आधार नंबर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए ये अपना डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिटेल्स अपना फिल कर लिया है और कैप्चा भी फिल कर लिया, और रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट ओटीपी पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमारा ओटीपी भेज दिया गया है, तो हम इसे फिल कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने अपना ओटीपी को फिल कर लिया है, और अभी भी वेरीफाई पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि हमारा देखिए ये आधार जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसको ओपन करके बताते हैं। ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये ओपन करके मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो मास्क आधार है वो किस टाइप का दिखेगा। तो ये देखिए मास्क आधार में ये जैसे कि आपका जो आधार नंबर है उसके जो एट डिजिट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से हिडन दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि ये आपका एट डिजिट जो है वो हिडन है, और लास्ट के जो फोर डिजिट है वही शोन होगा, ठीक है, बाकी ये सारा हाइड रहेगा, ठीक है। तो यही है मास्क आधार आपका जो मास्क होकर दिखता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको डाउनलोड के वक्त अगर दिखता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।